पकड़ लगा कितना अच्छे नहीं मेरी बंदा है फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ में मैंने अपनी क्या क्या तैयारी कर ली और आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी। ये आपको पहले से ही सोच के रखना है कि आप लोगों को क्या क्या पहनना है, किस किस चीज़ की तैयारी करना है, क्योंकि एंड मौके में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप वो तैयारी कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग देखिए और आप लोग जानिए कि आपको क्या क्या पहले से तैयार करके रखना है, उसे आप अपने सेपरेट जगह पर रख लें ताकि आपको उस दिन आसानी से मिल जाए। और आप लोग रहने वाले हैं निर्जला उपवास और पूरे दिन भूखे रहेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रही मेरी साड़ी जो मुझे मेरे ससुराल वालों ने दी थी मेरी शादी में। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, सो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा है, बहुत ही भारी है, बिल्कुल मेरे पति की जैसा, जैसे मैं उन्हें संभाल नहीं पाती वैसे इस साड़ी को भी मैं नहीं संभाल पाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा है, कितनी सुंदर है, और मेरे पति भी। तो ये रही मेरी करवा चौथ की साड़ी, और करवा चौथ में मैं अपनी चुनरी पहनने वाली हूँ जो मुझे मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर चढ़ाई थी। तो ये चुनरी मैं लेने वाली हूँ। जिनकी नई शादी हुई है उन्हें अपनी शादी की चुन्नी ज़रूर लेनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। और हम इन सब चीज़ों में किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसे ही पहनकर मैं अपना करवा चौथ तोड़ने वाली हूँ। ये मेरे करवा चौथ का चूड़ा, इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और आप लोगों को मैंने इसका रिव्यू और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल आपको बता दी थी ये मेरे दूसरे वीडियो में, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा। करवा चौथ के लिए सदा सौभाग्यवती भव का है। और हमारे करवा चौथ के लुक को चार चांद लगाने आएंगी ये दोनों। ये तो मैंने ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन के लिए रखा हुआ है। तो रियल गजरा मैं तो ज़्यादा प्रिफर करूँगी कि आप रियल गजरा लगाएं, लेकिन फिर भी आप अपने पास एक इस तरह का गजरा ज़रूर रखिए, बहुत ही अच्छा होता है। अपने बालों को बस इस तरह, अगर आप इस तरह से टाई भी कर लेते हैं, ये देखिए, करने के बाद इस तरह भी आप अगर लगा देते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा है कि मैं तो रेडी हो गई अपने करवा चौथ के लिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको अपने पास ये एक रखना ही बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी नई शादी होती है और उनको जल्दी जल्दी रेडी होना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको ये चीज़ रखते हैं तो उनके लुक पे चार चांद लग जाते हैं। हमारे 16 सिंगार में से आने वाला ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पायल, ये भी मुझे मेरी शादी में मिला था। ये देखिए ये है पायल जो मुझे मेरी शादी में मिला था और मैं इसे पहनने वाली हूँ अपने करवा चौथ में। और ये रही बिछिया, ये देखिए ये मेरी बिछिया है, ये मेरे अंगूठे की इसलिए इतनी बड़ी लग रही है। ये है मेरे पैरों के पांचों उंगलियों के लिए बिछिया है। और ये रही मेरी कमरबंद हाफ पेटी जिसे कहते हैं, यूपी में तो हाफ पेटी कहते हैं, और इससे मैं करूँगी अपना लुक कंप्लीट। ये देखिए ये है बड़े बड़े झुमके जिसके वजन मेरे वजन से भी शायद ज़्यादा ही होगा। तो ये देखिए इसका मांग टीका बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए 16 सिंगार में से आती है मात की बिंदी जो हर सुहागिनों को लगानी चाहिए, मेरा मंगलसूत्र। ये देखिए देख रहे हैं, ये रहा मेरा शादी का सिंदूर जो येलो वाला लगाना होता है, मैं इसे लगा भी सकती हूँ। तो ये सिंदूर हमें एक साल तक हमेशा लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है शादी के टाइम पे, जो हमारे हस्बैंड होते हैं यही हमें सिंदूर लगाते हैं, तो इसे साल भर तो चलाना ही होता है इसे और चुनरी को। ये रही मेरी मेकअप के लिए कुछ सामान और जिन्हें मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने खुद के मेकअप के लिए। ये देखिए मेरे मेकअप ब्रशेस, 16 श्रृंगार में मेहंदी भी आती है, तो सो ये देखिए तो इनसे मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप। सो ये रही मेरे मेकअप बॉक्स कलर बार का, ये रहे मेरे एक
मेकअप क्लींजर है, मेकअप फिक्सर है, मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन, ये रहे मेबलिन का सुपर स्टे लिपस्टिक पिंक एंड चॉकलेटी, एंड कलर बार का फाउंडेशन है मेरे, कलर बार का प्राइमर, प्राइमर आप ज़रूर लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके फेस के लिए। ये रहा फिक्सिंग पाउडर कलर बार का, ये रहा मेरा ब्लशर, ये रहा मेरा कॉन्टोर, कॉन्टोर और हाइलाइटर सबको मैं रख दूँ। ये सारी मेरी करवा चौथ की तैयारियां थी। हम औरतों की आदत होती है कि हम भूल जाती हैं, जब भी करवा चौथ आएगा हम हमको लगेगा कि अरे यार मैंने तो पहले से तैयारी करके नहीं रखी है, मैंने अपनी साड़ी नहीं निकाली, मैं कौन सा क्या पहनूं। तो यार आप पहले सोचो ना, क्यों नहीं सोच रही? हमारे लिए करवा चौथ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे तो देखो मैंने सारी चीजें यहाँ ला के रख दी और इसे मैं अपने साइड में रखूंगी ताकि मैं उस दिन भूलूं नहीं। मैंने अपने साड़ी में फॉल लगवा लिए हैं, ब्लाउज सिलने के लिए दे दिए, सारी चीजें करके रखी, और आप लोगों को ये थोड़े टाइम पहले ही करके रखना है ताकि आप उस दिन कोई भी चीज भूले नहीं। तो आपको सारी तैयारियां पहले से ही करके रखना है क्योंकि मुझे मालूम है मैं भी बहुत जल्दी भूलती हूँ, मुझे भी जल्दी याद ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है। तो आपको अपनी तैयारियां पहले से ही करके रखनी है ताकि आप अपने करवा चौथ के लुक को अच्छे से अच्छा बना सकें। और ये तो मेरा पहला करवा चौथ है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ तो आप उससे भी जाकर देखिए, और बहुत सारा प्यार बहुत सारी आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।